व्यूअर्स, आंखों में अगर माइनस नंबर आ जाता है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें विज़न 6x6 मांगा जाता है। और जॉब में अगर हम देखें तो डिफेंस के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर और भी उससे रिलेटेड जो दूसरे हैं, या फिर रेलवे या कुछ और ऐसे जॉब जिसमें कि विज़न 6x6 मांगते हैं, ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा बहुत भी नंबर अगर हमारी आंखों में है तो ये एक चिंता की बात हमारे लिए हो जाती है कि हम मेडिकल कैसे क्वालिफाई करेंगे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम इंटरनेट को ढूंढते हैं या फिर दूसरों से सलाह लेते हैं। तो आज का जो सवाल है, जो एक का नहीं वो कई लोगों का सवाल है कि अगर मेरी आँख में -1 नंबर है या आधा नंबर है या चौथाई नंबर है या 1.5 नंबर 2 नंबर है तो हम क्या करें, उसका क्या सोल्यूशन है। तो इसके सोल्यूशन पे आज हम बात करेंगे। तो इसके सोल्यूशन के बारे में हमें भी खुद कमेंट ऑप्शन में लोगों ने लिखकर भेजा है कि जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी आंखों में नंबर है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खाना पीना शुरू कर दी हैं और आई होप सो कि इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेडिकल टर्म में भी इसको समझने की ज़रूरत है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो ये कहती है कि अगर आँख की बॉल का साइज़ एक बार बड़ा हो जाता है तो फिर ये दोबारा पुराने साइज में आना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कोशिश की जा सकती है तब जब ये शुरुआती स्तर पर है, यानी जैसे हमने पहले भी आपको बताया, याद होगा आपको, कि अगर हमारा नंबर अभी आँख में शुरू हुआ है जिसको हम कहें कि 0.25 है या फिर 0.50 है, यानी ये इनिशियल स्टेज पर है अभी, तो इनिशियल स्टेज पर अगर हम आई एक्सरसाइज करते हैं तो उस स्थिति में हो सकता है कि आई एक्सरसाइज से या फिर योगा से हम इसको ठीक कर लें। आई एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था कि आई एक्सरसाइज कैसे की जाती है, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आपका नंबर इनिशियल स्टेज पर है और आप सोचते हैं कि मैं आई एक्सरसाइज करूं, तो आई एक्सरसाइज के लिए वैसे तो हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी आप यहां पर भी समझ लीजिए कि आपको अपनी आंखों को सिंपली अप एंड डाउन इसको मूव करना है। जैसे कि मैं इस तरफ देख रहा हूं ऊपर, तो जितना हाईएस्ट आप ऊपर देख सकते हैं उतना, और हाईएस्ट नीचे की तरफ, फिर राइट साइड पर हमें हाईएस्ट राइट साइड में देखना है इस वे, और हाईएस्ट लेफ्ट साइड में देखना है इस वे, उसके बाद हमें डायगनल देखना है इस तरह से और फिर इस तरह से। यानी आप पॉइंट बना लीजिए अपने सामने कि जितना भी जब आपका फेस सामने होता है तो हम लास्ट पॉइंट तक कहां तक देख सकते हैं, एक हमारी सरफेस होगी ना, एक एरिया होगा जहां तक हम देख सकते हैं, तो उसका जो लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है आपके पास, आप वहां पर एक पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट मतलब यह है कि इमेज कर लीजिए कि मैं यहां तक देखूंगा, उसके बाद मुझे इस साइड देखना है। अगर मैं अप देख रहा हूं तो उसके बाद मुझे डाउन यहां तक देखना है, फिर अगर मैं राइट देख रहा हूं तो मुझे ऐसा फेस सीधा रखना है और मुझे राइट साइड यहां देखना है, फिर राइट लेफ्ट साइड यहां देखना है। इसी तरीके से हमारे अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, और फिर डायगनल इस तरफ, उसके बाद हम आंखों को रोटेट करेंगे। फिर रोटेट का ये सिस्टम रहता है कि आप अपनी फिंगर से भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि आंखें किसी की स्टेबल नहीं होती उस स्थिति में, तो हम फिंगर ले सकते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे लेंगे। जैसे अभी मेरी ये फिंगर यहाँ पर है और मैं आपको देख रहा हूँ लेकिन मुझे ये फिंगर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ कर लूँगा तो ये फिंगर मुझे नहीं दिख रही है, तो ये फिंगर यहाँ करने को मुझे दिख रही है। तो इस तरीके से मैं अगर इस फिंगर को अब देखने की कोशिश करूँगा ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे, और उसके बाद ऐसे, इस तरीके से मैं राउंड लगाऊंगा, और उसी तरीके से एक बार हम क्लॉकवाइज चलेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। हर एक जो सेट है उसको आप 5 बार कर लीजिए अकॉर्डिंग टू अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर आपको जितना कंफर्टेबल लगता है उसके अनुसार। लेकिन याद रखिए कि आपकी आंखों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, जोर नहीं पड़ना चाहिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए, बहुत आराम से रिलैक्स होकर इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। तो अभी हमने बताया कि आप राउंड लेंगे, राउंड में भी 10 बार अगर मान लीजिए आप इस तरह से करते हैं तो 10 बार ऐसे करेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि हम इतनी दूर, लगभग जैसे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, 2 फीट की दूरी पर फिंगर को यूं करेंगे और फिंगर देखेंगे, फिर दूर देखेंगे, फिर फिंगर देखेंगे, फिर दूर देखेंगे, फिर फिंगर देखेंगे, इस तरीके से इन पॉइंट्स को। ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप अपने आराम से घर पर कर सकते हैं, सुबह और शाम या सुबह दोपहर शाम 3 बार आप इनको 10-10 मिनट का टाइम दीजिए और इनको ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरा एक और है कि आप अगर योगा में इंटरेस्टेड हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं फिजिकली, तो एक बहुत अच्छा आसन भी है जिसका नाम है शीर्ष आसन।
शीर्ष आसन के बहुत सारे फायदे हैं और योगा में उसको बहुत अच्छा और एक सुपर आसन भी माना जाता है। यंगस्टर्स के लिए भी उसके बहुत सारे फायदे हैं अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे और उसके बारे में डेप्थ में जाएंगे। तो शीर्ष आसन में ये होता है, मैं उसकी एक पिक्चर भी आपको लगा देता हूँ, कि उसमें सर हमारा नीचे होता है और हम कोई भी पीछे सपोर्ट लेके अपने पैरों को ऊपर कर लेते हैं। आप पहले किसी की मदद ले लीजिएगा, मदद लेने के बाद फिर आप इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। उसमें करने का तरीका ये होता है कि जब हम लेटेंगे तो हम अपने हाथों को सर पे यूं करके इसकी ग्रिप बनाएंगे, उसके बाद इन हाथों को यहाँ रखेंगे और उसके बाद हम सर नीचे रखेंगे, उस पर तकिया भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले, उसके बाद सर रख के सीधे हम दीवार की सपोर्ट से या किसी भी सपोर्ट को पीछे लेकर उससे हम पैर सीधे ऊपर कर लेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसको आप शुरू में 30 सेकंड करिए, 15 सेकंड करिए या फिर एक मिनट तक करिए। ये आपके लिए पूरा जो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको पूरा रिजवाइज सा कर देगा, क्योंकि जनरली हम आमतौर पर सीधे इस तरह से खड़े होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, लेकिन जब हम सर को नीचे कर लेते हैं तो काफ़ी अमाउंट में ब्लड हमारा सर में आ जाता है। उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कि अगर आप इसको लगातार करेंगे तो आँखों के विज़न में भी फ़र्क आ सकता है। पर दोस्तों, जहाँ पर मुद्दा हमारे करियर से जुड़ा होता है तो उसमें हमें ये लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो आगे जो मेडिकल होगा उसको हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। उसके संबंध में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो तरीका तो जो है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर हमारी आँखों में नंबर है तो हमें सबसे पहले अभी से इस बारे में सोचना चाहिए कि जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर 6x6 विज़न नहीं चाहिए। तो उन पोस्ट को या फिर उन कैटेगरीज को हम सबसे पहले फोकस में लेकर आएँ और उनमें अप्लाई करें। टिल देन जो समय आपको मिलेगा उसमें आप अपने आँख के विज़न को ठीक करिए, और अगर हमें वो जॉब मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर हम 6x6 विज़न अगर हमारा आगे भविष्य में हो जाता है तो हम फिर उसके लिए ट्राई करेंगे। को कम से कम इस प्रोसीजर को अपनाने से ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास कोई भी मौका आप नहीं ले पाए और सारे मौके निकल गए। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कैरियर का एक ऐसा सवाल होता है कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार मिलते हैं। तो अगर आपकी आंखों में नंबर है और उसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, और आप जो चार्ट इस तरीके के होते हैं, जो विज़न चार्ट होते हैं, आप उसे लास्ट लाइन तक नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको उन ऑप्शंस को अभी से चूज़ करना चाहिए, अलग अलग कर लेना चाहिए कि जिसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि अगर मान लीजिए आपकी आंखों में नंबर है और आप उसे सही करना चाहते हैं, तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आप एक कॉमन पर्सन हैं जिसको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं करना है, तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जॉब में तैयारी कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब है और जहाँ पर 6x6 विज़न चाहिए ही चाहिए, तब थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं जिसमें लेसिक लेज़र के जो ऑप्शंस इस समय है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा, वो फिर आप अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मेडिकल टीम अब बैठती है मेडिकल करने के लिए, उनके पास जो आँखों को चेक करने की मशीन्स हैं वो बहुत अपडेट हैं और वो सारे प्रोसीजर को पकड़ लेंगे और वहाँ आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो नेचुरल जो भी रेमेडीज़ हैं हम उन्हें तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सरसाइज हो गई या फिर हमारा योगा हो गया या फिर दूसरी और कोई चीज़ जिसको आप बेटर समझते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉमन पर्सन हैं और आपको अपनी आंखों का विज़न ठीक करना है, तब आपके लिए लेसिक के ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आपका नंबर -4 के आसपास तक है तब आप एपिकॉन्ट्रा को अपना सकते हैं। एपिकॉन्ट्रा इस समय की भारत में सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी है और इससे आपका विज़न 6x6 हो सकता है। और ये जैसे दूसरी जो लेसिक की जो टेक्निक्स अभी तक भारत में हमारे अवेलेबल हैं उससे काफ़ी अच्छा है, और इसमें आँखें, जैसे हम कहते हैं कि आँखों का जब हम सर्जरी कराएं तो उसमें कोई ऐसा बड़ा मेजर इशू ना हो जो आगे चल के हमें कोई दिक्कत हो, तो एपिकॉन्ट्रा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप अपना सकते हैं। दिस इज़ द सेफ, और ये भारत में कुछ ही जगह होता है और सब जगह ये अवेलेबल नहीं है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको वो लिस्ट दे देता हूँ
और ये आप देख सकते हैं कि इन इन जगहों पर ये भारत में होता है। इसके अलावा यह अभी इस समय करंट स्थिति में भारत में इसके अलावा ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सामने, इसके अलावा और कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर इसकी कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 90,000 से 1 लाख के आसपास है दोनों आँखों का। बहुत कॉस्टली है देखा जाए तो, एक सामान्य आदमी की पहुँच से बाहर है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि हम अपने नेचुरल तरीके से भी इसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो डिपेंड करता है हर व्यक्ति के ऊपर और हर व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम ये भी 100% नहीं कह सकते कि अगर कोई व्यक्ति योगा करता है या फिर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है आँखों की, तो उसकी आँखों का नंबर ठीक नहीं होगा। अगर शुरुआती स्तर पर है तो वो सही हो सकता है, और अगर ये ज़्यादा बढ़ चुका है तो फिर तो इसलिए अगर आप इन दोनों में से जो भी बेटर ऑप्शन समझते हैं उसको अपना सकते हैं, एंड आई थिंक सो कि जो भी आप चूज़ करेंगे वो बेटर ही ऑप्शन होगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको जब हमारे वीडियो देखते हैं तो उसके बाद उसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। फीडबैक देने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप हमें कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपको वीडियो किस तरह से लग रहे हैं और आप किस डायरेक्शन में वीडियो चाहते हैं। क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समय हम यहाँ पर दे रहे हैं उसमें कितना और समय हमें ज़्यादा देना है, कैसी इन्फॉर्मेशन और लेकर आना है, उस पर बहुत सारा काम करना होता है। क्योंकि यहाँ के वीडियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी ऑडियंस किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक। दूसरा, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इससे जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना लगातार फीडबैक देते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।